हेलो जी, सत श्री अकाल जी सारियां नू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तुहाडा सारियां दा मेरे यूट्यूब चैनल पंजाब दा पिंड विच स्वागत है। ते चलो जी, अज दी वीडियो शुरुआत आपां कर रहे हैं मॉर्निंग तो। ते तुसी वेख ही सकदे हो, आ देखो किवें धुंद पई हुई है। मैं कहा चलो अज बाहर दा भी व्यू तुहाडे नाल मैं शेयर करां। ते साढ़े तां पहली बारी धुंद पई, वैसे एक बारी पहला भी पई सी, पर जिवें जिवें दिन चढ़िया उवें उवें धुंद खत्म हो गई। तो इतने आप पैप लाई हुई सी, वेखो पानी लाया सी, जिहड़े बाहर गन्ने लाए हुए ने इत्थे। तो मैं इतने 5-7 मिनट खड़ गई सी, नाले मैं कहा चलो पानी लग जाएगा, नाले मैं इतों वीडियो बना देनी हूँ। तो आ देखो जी किवें कितना सोहना लगता व्यू, दूर तक धुंदे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो ये भी मतलब जिवें जिवें सूरज निकलिया तो हट गई सी, तो काफ़ी धुंद सी वैसे पई हुई। तो चलो हम आप चलते हैं जी अंदर, बाकी दे आप काम करते हैं। तो हजे सारा काम पिया सीगा, तो ये टाइम हो गया सीगा 6:30 का टाइम सी। तो मैं एक अज चली सी स्कूल, क्योंकि अज स्कूल च मैं एक दा पेपर सी। वैसे तो ऑनलाइन क्लासा चल दिया ने, तो इतने मैं हूँ प्रेस कर रही सी कपड़े। तो मैं क्या सी भी लिया मैं कर देनी हाँ प्रेस, मैं करा तो ये प्रेस कर रही सी कपड़े। तो वर्दी वगैरह भी पेटी चे कितने कितने पईया सी, मसा ही लभ लुभ के वो करके रखी हैं, क्योंकि पूरे 9 महीने हो चले ने, 10 महीने 9-10 महीने हो चले ने। इन्हों आप सैट करके रखे हुए ने, क्योंकि बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। तो जिहड़ा 9 महीने पहला वाला रूटीन अज मैं फिर तो दोबारा तुहाडे नाल शेयर कर रही हूँ, और पहली बार ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उदों तो आप कोई भी ब्लॉग नहीं शेयर किया। कि उस तो बाद ही आप स्टार्ट करिया सीगा चैनल। तो इतने हुण बना रहे आप गोभी के परौंठे सवेरे नाश्ते च। मैं कहा चलो खा लैणगे एक दो दो परौंठे नाले, मैक ने भी स्कूल जाना सी। तो इतने मैं बना रही हूँ जी परांठे, गोभी वाले परौंठे बना रही हूँ। तो फिर मैं पा के नाल दी नाल ही मैं पहला देते सी नाल दी नाल ही, मैं कहा गर्म गर्म ही स्वाद लगते हैं, बाद फिर जो ठंडे हो जाए फिर दिल नहीं करता खाने को भी। तो ये जिहड़ा रूटीन है मेरा उही दोबारा स्टार्ट होया, तो औखा जिहा लग्या वैसे। तो वैसे भी टेंशन जी रही भी उठना है उठना है। पहला तो मतलब अपने उहदे नाल ही उठते सी, किहड़ा जल्दी बच्चों ने स्कूल जाना हुंदा। तो ये रूटीन मतलब 8-9 महीने पहला दा रूटीन सी, जिहड़ा अज तो दोबारा स्टार्ट करिया मैं। तो ये पेपर हुण जिहड़े हैगे ने 22-23 तारीक तक चलणगे। तो ये वाला रूटीन हुण तुहाडे नाल मैं शेयर करांगी। तो इत्थे हुण मैं चाह पाती सी ते परौंठे पाते सी, ते मैं कहा चलो दे देनी है नाले। मैं कहा पापा नूं देते सी, फिर मैं मैक नूं कहा सी भी तू भी खा लै। ये अपना नहा धो के तैयार होके आ गई सी, ते हुण ते मैं भी कहा सी अंदर बह के खा ला, कहिंदे मम्मी एक ही फुलका खाना, क्योंकि सवेरे सवेरे भुख नहीं लगती, कहिंदी मैं एको ही रोटी खानी है। तो चलो मैं क्या इतने खड़ी होके खा लैनी हूँ, तो किचन च खड़े खड़े इन्हें खा ली। तो बच्चों का रूटीन भी टुटिया होया, जिवें मतलब अगे रैगूलर जाते थे, हुण इन्हों भी अजीब जहा लग्या जाना भी, तो जाण आउण दी भी काफ़ी दिक्कत सी, क्योंकि इन्हें पापा नहीं छड के आना सी, तो लैके भी आना सी नाले ही। तो नाले मतलब जिहड़ियां वैना ने स्कूल दियां बसा ने वो नहीं हजे आ रही। तो मैं इतने महक नूं गुत्ता कर लगी सी, इहदियां गुत्त कर लगी सी, एक गुत्ता मैं उही रह गया मेरा, क्योंकि पहला मैं दो गुत्ता करती हुंदी सी। तो इतने मैं महक नूं कह रही सी, महक मैं पहला फटाफट जो वैन ने आना तो ऐ होना सी फटाफट फटाफट करो कि वैन आ जाने, 10 मिनट रह गए 15 मिनट रह गए, तुसीं लेट उठदे हो। बस उही रूटीन तो दोबारा मैं याद कर रही सी, तो वधिया लग्गिया उही दोबारा रूटीन, जिहड़ा मतलब एक नवीं जी फीलिंग आई। तो काश सारे स्कूल जड़े ने बच्चों के जोड़े स्कूल ने सारे ही खुल जाए दोबारा, तो सब वधिया तो वधिया हो जाए, परमात्मा करे। तो वधिया लगता नाले तो अपना जोड़ा कामकार हुंदा वह निबड़ जाता है, जोड़ा आप कामकार करते हैं रोज़ उठ के। तो अज मैं बहुत ही औखा जहा लग्या है, बच्चे ही अपना जोड़ा मैक का तो हैगा ही सी स्कूल पेपर, जोड़े जशन का भी अज ही पेपर से वो हैगा सी ऑनलाइन पेपर, वो मैं खुद करवाना सी इनू। तो क्योंकि अगे मैक ही करवा दी है, तो हूँ जो जशन मैक ने स्कूल चल जाना सी, तो उस तो बाद मैं करवाना सी, मैनू बहुत ही ज़्यादा औखा लग्या। तो पेपर स्टार्ट होना सी 9 बजे, आ देखो जी पिछे जहाज की आवाज़ आ रही है, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ।
ਕਾਫੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਪਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ 9 ਵਜੇ ਪੇਪਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਸਕੂਲ 8:30 ਪੌਣੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਮੜਾ ਮੜਾ, ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਧੁੰਦ ਪੇਪਰ ਹੋਈ ਪਈ ਕਰਵਾਇਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਔਨਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਔਖਾ ਪਈ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਸ ਸਕੂਲ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨਾ, 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਲੇਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ, ਪਾਈ ਦਸ ਰੱਖਣਾ ਗਿਆਰਾਂ ਵੱਜ ਗਏ ਚਾਲੀ ਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ, ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਕ ਨਾਲ। ਲੈ ਲੈ ਲਿਆ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲੈ ਲੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਨਸਰ ਆਨਸਰ ਲਿਖਾਉਣੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਮੰਮਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਕੁਛ ਅੱਠ ਲੈਣਾ ਛਾਲ ਦਿਓ ਮੰਮੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਕ ਚੁੱਕ ਮਾਸਕ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਟੁੱਪ ਟੁੱਪੀ ਤਾਂ ਪਾ ਲੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੁਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਗ ਲੈ ਲੈ। ਜਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਵੋਇਸ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਪੇਪਰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਨ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੱਡਾ ਬਾਪੂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।